तो बात करने वाले हैं बॉलीवुड के जाने माने सुपरस्टार आमिर खान की आने वाली फिल्मों के बारे में। तो लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद आमिर खान की कई बड़ी फिल्में आने वाली हैं, जो कि हमें 2025 और 26 में देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आमिर खान की ये फिल्में कौन कौन सी हैं और हमें कब तक देखने को मिलेंगी। मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही भर जावे, मन नहीं भरता। नंबर 8 सितारे जमीन पर, यह एक सोशल ड्रामा फिल्म होगी जिसे डायरेक्टर आरएस प्रसन्ना ने डायरेक्ट किया है और वहीं इस फिल्म में हमें आमिर खान के साथ जेनेलिया देशमुख लीड रोल में देखने को मिलेंगी। आपको बता दें आमिर खान की इस फिल्म की स्टोरी हॉलीवुड फिल्म चैंपियन से रिमेक होगी, जिसमें हमें आमिर खान एक कोच के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। पहले कहा जा रहा था कि आमिर खान की ये फिल्म तारे जमीन पर है की सिक्वल होगी, पर आमिर खान ने कन्फर्म किया है कि ये फिल्म तारे जमीन पर से कनेक्ट नहीं होगी बल्कि एक पूरी तरह से नई स्टोरी होगी जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आएगी। आमिर खान की ये फिल्म हमें क्रिसमस 2024 में देखने को मिलने वाली थी, पर शूटिंग में डिले होने के कारण मेकर्स ने इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया और अब आमिर खान की ये फिल्म हमें 2025 में देखने को मिलेगी। नंबर 7 कुली, ये एक गैंगस्टर एक्शन इंटरटेनर फिल्म होगी जिसे डायरेक्टर लोकेश कनगराज डायरेक्ट कर रहे हैं और वहीं इस फिल्म में हमें रजनीकांत के साथ श्रुति हसन, नागार्जुन सत्यराज और आमिर खान जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कुली फिल्म की स्टोरी एक गैंगस्टर के इर्द गिर्द होने वाली है, जिसमें हमें आमिर खान के एक दमदार कैमियो देखने को मिलेगा और ये फिल्म हमें 2025 में पैन इंडिया सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। नंबर 6 लाहौर 1947, ये एक पीरियड वॉर ड्रामा फिल्म होगी जिसे डायरेक्टर राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं और वहीं इस फिल्म में हमें सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा और आमिर खान लीड रोल में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें इस फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान युद्ध के ऊपर बेस होगी, जिसमें हमें आमिर खान का एक स्पेशल कैमियो देखने को मिलेगा और वहीं सनी देओल की ये फिल्म हमें 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। नंबर 5 चार दिन की जिंदगी, ये एक साईफाई इंटरटेनर फिल्म होगी जिसे डायरेक्टर राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करेंगे और वहीं इस फिल्म में हमें आमिर खान लीड रोल में देखने को मिलेंगे। अभी तक इस फिल्म को लेकर ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, पर कहा जा रहा है कि आमिर खान की इस फिल्म की स्टोरी टाइम ट्रेवल के ऊपर बेस होगी, जिसकी शूटिंग डायरेक्टर राजकुमार संतोषी लाहौर 1947 के रिलीज के बाद स्टार्ट करेंगे और आमिर खान की ये फिल्म हमें 2026 में देखने को मिलेगी। नंबर 4 महाराजा रीमेक, यह विजय सेतुपति की सुपरहिट फिल्म महाराजा की ऑफिशियल रीमेक होने वाली है। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि आमिर खान ने विजय सेतुपति की फिल्म महाराजा की रीमेक राइट्स को खरीद लिया है, जिसमें हमें आमिर खान लीड रोल में देखने को मिलेंगे। पर आमिर खान इस फिल्म को फ्रेम टू फ्रेम कॉपी न करके इसकी कोर स्टोरी को सेम रखेंगे, बाकी इस फिल्म में काफी सारे चेंजेस किए जाएंगे। अभी तक इस फिल्म को लेकर ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, पर कहा जा रहा है कि आमिर खान इस फिल्म की शूटिंग 2025 के एंड से स्टार्ट करेंगे और ये फिल्म हमें 2026 में देखने को मिलेगी। नंबर 3 जॉय अख्तर अनटाइटल, यह एक ड्रामा इंटरटेनर फिल्म होगी जिसे डायरेक्टर जॉय अख्तर डायरेक्ट करेंगी। आपको बता दें इससे पहले डायरेक्टर जॉय अख्तर ने आमिर खान की फिल्म तलाश को डायरेक्ट किया है, जिसे ऑडियंस का मिक्स रिव्यू मिला था। तब कहा जा रहा है कि जॉय अख्तर ने आमिर खान के लिए एक और फिल्म की कहानी लिखी है जो कि आमिर खान को काफी पसंद आई है और आमिर खान इस फिल्म की शूटिंग 2025 में ही स्टार्ट कर देंगे और जॉय अख्तर के डायरेक्शन में बनने वाली आमिर खान की ये फिल्म हमें 2026 में देखने को मिलेगी। नंबर 2 सुपर हीरो अनटाइटल, ये एक साईफाई सुपर हीरो फिल्म होगी जिसे डायरेक्टर लोकेश कनगराज डायरेक्ट करेंगे। तो अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने आमिर खान को एक फिल्म की कहानी सुनाई है और ये कहानी आमिर खान को काफी पसंद आई है, जिसमें हमें आमिर खान एक सुपर हीरो के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही डायरेक्टर लोकेश कनगराज अपनी करंट फिल्मों की शूटिंग को कंप्लीट करेंगे, वो आमिर खान की इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट कर देंगे जो कि हमें 2026 या 27 में देखने को मिलेगी। नंबर 1 गजनी 2, यह एक एक्शन इंटरटेनर फिल्म होगी जिसे डायरेक्टर एआर मुर्गदास डायरेक्ट करेंगे। आपको बता दें आमिर खान ने कंफर्म किया है कि वो गजनी फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ मिलकर गजनी 2 की प्लानिंग कर रहे हैं और जैसे ही गजनी 2 के लिए कोई भी स्टोरी फाइनलाइज होती है, मेकर्स गजनी 2 के ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया कि गजनी 2 की स्टोरी इसके पहले पार्ट से ही कंटिन्यू होगी या मेकर्स इस फिल्म को फ्रेश स्टोरी में बनाएंगे, पर ये कंफर्म है कि गजनी 2 में हमें आमिर खान ही लीड रोल में देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें एक बार फिर से आमिर खान दमदार एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। हर सुबह जब मैं जागता हूँ तब मैं सोचता हूँ ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ। तो आप आमिर खान की आने वाली इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड है हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।